दोस्तों सुनने में आ रहा है कि इंडिया के किसी भाई ने इसराइल की किसी कंपनी में काम करने वाले किसी मैडम को कॉल करके ये पूछा है कि हमारा जो है सीबी आपके पास गया है नहीं। तो इसके बारे में मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, पता किया, कम से कम 2-3 दिन हो गए हमें भी पता करते हुए। बहुत सारे ऑफिसर्स में एशिया पावर से लेकर के और एक क्लाइंट है वहाँ के, उनको भी मैंने पूछा इसराइल के क्लाइंट से, और एनएडीसी के काफी कर्मचारी हैं जो दो तीन सिक्योरिटी भी हैं और उन लोगों से भी बात होते हैं, और 2-3 कार्यकर्ता हैं जो अंदर काम करते हैं, वीजा प्रोसेस करते हैं, तो उन लोगों से भी काफी अच्छी बातें हुई। और यह पता चला दोस्तों बहुत सारे लोगों का अभी तक सीवी को सेंड ही नहीं किया गया है, जैसे कि उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा, कॉल रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों ने सुना, जैसे मैडम बता रही हैं, हो सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग जहां का भी हो, लेकिन उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने सच में देखने के लिए सोचा, मतलब सच में उसको पता करने के लिए सोचा कि ये सही है ना, सर्च किया ये सही है नहीं। तो सुनने में आया कि ये बातें तो हुई है, लेकिन वाकई में जो बातें हैं जो उन्होंने मैडम बोला है कि इसमें सीवी नहीं आ रहे हैं, तो वो बातें सही है कि सीवी अभी तक बहुत लोगों का नहीं किया। अब सीवी अभी इस महीने में जिनका भी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का इंटरव्यू हुआ है, उन लोगों का सीवी इस महीने में नहीं जाएगा, बहुत लोगों का रिजेक्ट किया गया है। अब एक एक लिस्ट और एक एक नाम तो नहीं बताए हैं कोई, लेकिन ये बताए हैं कि बहुत लोगों का सीवी सेंड नहीं किया गया है, जिनका लीगल था उनका भी सेंड नहीं किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से, और बहुत लोगों का सुनने में आया है कि रिजेक्ट किया गया है, जिनका पासपोर्ट में किसी वजह से वैलिड नहीं है, ठीक है उस पर। तो दोस्तों मैं इस पे काफी आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी एनएडीसी वाले हैं, एनएडीसी के कर्मचारी ही इस चीज को सॉल्व, इस बार इस टाइम में तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस टाइम में अगर आप फर्स्ट राउंड का अगर सीवी को भेजते हैं तो इस टाइम से इस महीने से कम से कम 2 महीने तक लगेंगे आपको वीजा। ऑलरेडी आदमी अभी 6 महीने हो गए परेशान है, जो 25-30 हज़ार महीने कमाते थे इंडिया में जाकर दिल्ली मुंबई, तो वो भी घर पे रह करके 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। मैं जो भी इंतजार कर रहे हैं लोगों से, मैं ये आग्रह करूंगा, ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बहुत लोगों का इसमें नहीं आने का चांस है, और जो भी भाई ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं, पहले अप्लाई किए हैं, उनका तीसरे राउंड में फिर वो अप्लाई करेंगे, तब जा करके फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका वीजा आने का। तो बहुत लोगों का इसमें रिजेक्ट किया गया है, बहुत लोगों का सीवी सेंड नहीं किया, समझ रहे हैं आपको बात, सुनने में आया है क्लाइंट ये बता रहे हैं, ठीक है। यानी जीसी वाले भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं सच को, ठीक है। तो ये बताए कि एनएजीसी वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उस डॉक्यूमेंट्स में से बहुत लोगों का सीवी में से, यानी कि बहुत लोगों का पासपोर्ट कॉपी सेंड ही नहीं किए गए इसराइल में, इसराइल की किसी कंपनी में। हो सकता है ये क्या वजह हो सकती है इसके बारे में हम नहीं पता, लेकिन सेंड नहीं हुआ है ये पता है, ठीक है, बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का रिजेक्ट कर। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से अपने यहाँ, जाहिर से बात है कि अपने यहाँ एनएचडीसी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इसी में, तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, उन लोगों को समझना चाहिए कि ऑलरेडी 6 महीने से आदमी बैठ के परेशान है, और अगर ये चीज को हम मतलब सीरियस नहीं लेते हैं तो लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, ये चीज को सोचना। अगर इसराइल में लोगों की जरूरत है, इसराइल में अगर इसराइल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें लाखों लोगों की जरूरत है, तो इसराइल में ऑलरेडी सीबी को क्यों रोका जाए, इसराइल में तो ऑलरेडी वीजा निकालने के लिए प्रोसेस है, तो यहाँ से जब सेंड नहीं होगा एनएडीसी से या किसी भी ऑफिस से, तो वहां से वीजा कैसे निकलेगा, और वहां से तो हमें नहीं लग रहा कि वहां से वजह से रुकावट का वजह हो सकता है, कार्यरत है उन सभी से ये लापरवाहियां हुई। तो इसमें जो भी एनएडीसी के माध्यम से जो भी भेजने वाले हैं, जो भी अंदर के कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनसे आग्रह है, विनती है कि इस तरह की लापरवाही अगर अपने यहाँ होता रहे तो काफी भाई हमारे परेशान रहेंगे सालों साल तक घर पे बैठ के और परेशान। और जो भी भाई अप्लाई किए हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, तो थर्ड राउंड में आप लोग जरूर अप्लाई करें और थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके थर्ड राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड में इस तरह की लापरवाही नहीं होने की आग्रह। और बहुत लोगों को यह बताया भी गया है, कंप्लेन भी गई है कि इस तरह की लापरवाही अगर दोबारा होती है तो ये बहुत बड़ा एक्शन। तो अपने यहाँ की जो सरकारी माध्यम से जो व्यवस्था है, बहुत हर जगह का हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी या सरकारी कॉलेज, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार एक संस्था बनाई है, सरकार काम करने वाले लोगों को रखी है, तो जो सरकार में काम करने वाले लोग
ठीक है, जो सरकारी काम करने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों का अपना कार्य थोड़ा ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे आप सरकारी जगह काम करते हो या प्राइवेट जगह काम, ठीक है। तो ये आप भी एक इंसान हो, आपका सैलरी हर महीने में अगर आ रहा है तो आप ये सोचें कि आपका अगर सैलरी रुक जाए अगर 2-4 महीने तो आपकी क्या हाल। उसी प्रकार से जो भी मेरे भाई हैं वो सब 6 महीने से बैठे हुए हैं, उन लोगों का क्या हाल। तो जो भी एनएटीसी के कार्यकर्ता है, विनम्र विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो लापरवाही अभी किए हैं, क्योंकि सुनने में ये पक्का आ चुका है और हमें भी ये पता चल चुका है, ऐसे ऐसे लोगों हैं जो बता कि बहुत सारा पीडीएफ बहुत सारा डॉक्यूमेंट सेंड नहीं हुए हैं। तो आप लोग सेंड क्यों नहीं करते? जब तक आप लोग सेंड नहीं करेंगे तब तक वहां से वीजा प्रोसेस कैसे होगा, चाहे जिस माध्यम से भी हो। प्राइवेट ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं और लाखों रुपए की उनको मुनाफा है, इसलिए वो अपना पीडीएफ रात में 12 बजे तक भी। लेकिन अपने यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो छुट्टी मनाते हैं, काम के वक्त में भी, सरकारी जगहों में काम के वक्त में भी मैं देखा गया है कि सही से काम, ठीक है, बैंक सिस्टम हो या सरकारी स्कूल सिस्टम हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, सरकारी हर एक संस्था, ठीक है, तो इस प्रकार से न हो तो बेटर। बाकी जो भी भाई हैं जिनका अभी तक ऑफर लेटर भी नहीं आया है, जिनका पैसा नहीं जमा हुआ है और जिनका पैसा भी जमा हुआ है उनका भी कोई चांसेस नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जिन उसी में से बहुत भाई लोगों को टिकट भी निकले, ठीक है, बहुत लोगों का लिस्ट में नाम, उन सभी का टिकट वीजा होंगे तो लोग जाएंगे, लेकिन उसी में से बहुत लोगों को रिजेक्ट किया गया है, बहुत लोगों का सेंड नहीं किया गया है, वो सभी थर्ड राउंड में अपना अप्लाई फिर से करके अगर एनएटीसी को। दूसरी चीज ये है कि बहुत भाई जो है अभी थर्ड राउंड में अप्लाई कर सोच रहे हैं, तो उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, करिए, जब जैसे ही माध्यम से मालूम पड़ेगा सरकारी तो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा, उस टाइम आप लोग अप्लाई। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि जब भी आप लोग अप्लाई करें, आप लोग जब भी एनएजीसी में आप लोग अप्लाई करें तो वहां से नंबर और एक्ट अपने नजदीकी या कितना हो दूर हो, गोरखपुर या लखनऊ या अपने नजदीकी अपना जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, अपना जो रजिस्ट्रेशन जहां से आप लोग कराए हैं, जहां से आप लोगों ने अप्लाई किया, वहां से आप लोग पता करते रहें, जाते आते रहें, ठीक है, पता करते रहें। कभी कभी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ये हुआ है कि बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, फोन किया, पूछे ही नहीं गए, कभी वहां पे गए नहीं, कभी वहां पे तो अपने यहाँ के लोग थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए तो भूल ही जाएगा ऑफिस में कि पता नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार है। और वहीं पे जो लोग गए हैं, जो लोग दौड़े हैं, थोड़ा सा मेहनत किए हैं उन लोगों का, या जो लोग थोड़ा सा घूस दिए हैं ये भी है, तो 1000 रुपये किसी ऑफिस वाले को दे दिए, वो अपना जो है उन लोगों का पीडीएफ निकाल करके और जल्दी से उन लोगों का नाम देख करके और भेज दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग को अगर जाना है तो आप लोग को एक्टिव रहना होगा। अगर 1000 रुपये, अगर 1000-2000 किसी कर्मचारी को अगर देना है तो आप लोग दे करके अपना पहले नाम निकलवा करके पासपोर्ट तब जा करके, ठीक है, इस प्रकार से हुए हैं पहले फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में। जो लोग भी इस प्रकार से किए हैं, मेहनत किए हैं, दौड़े धुपे हैं, भैया मेरा जल्दी से करा दीजिए, सर मेरा करा दीजिए, तो 2-3 बार गए हैं तो उन लोगों को नजर पे वो लोग आदमी आए हैं कि हाँ फलाना आदमी मेरे पास आता है, उसका नाम कहाँ पे है, तो पासपोर्ट उसको निकाल करके उसका सीबी तब जाकर उनका वीजा। तो कॉल करने से नहीं, एनएटीसी में कॉल करने से नहीं होगा, जितना दिन आप लोग रुके हैं आप लोग जाते आते रहें, और जाते आते भी हैं तो आप लोग उसको 1000 बगैर पैसे दे दिए हुए लोग तो घूस दे करके, घूस का जब बनना है, घूस का आप लोगों का जब काम निकालना है तो इन लोगों से जाते मिलते रहें, मतलब जाते आते रहें, मिलते रहें, और किसी को अगर कुछ खर्चा पानी देना है तो खर्चा पानी दे करके और अपना काम करा लें तो, ठीक है, अपने काम से मतलब, तो देश सुधारने से मतलब क्या है, देश के तो लोग ऑलरेडी ऐसे ही लूटने में, तो अपना काम निकालें और एनएचडीसी में अप्लाई या जो भी अप्लाई किए हैं वो जाते आते रहें, भले आपको कुछ पैसा लग रहे हो अरेंज करके जाएं आएं, होने वाला होगा तो फायदा है, नहीं होने वाला कोई बात ही नहीं है, लेकिन होने वाला होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना दिन रुके हैं, इतना खर्चा किए हैं, तो जाने आने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, थोड़ा बहुत पैसे खर्च करिए, और थर्ड राउंड में जो भी भाई हैं वो एक्टिव फटाफट से रहें और अपना अप्लाई करें, 1 महीने के अंदर किसी न किसी को पकड़ करके देखें कि कौन सा ज़्यादा मतलब हाई लेवल का आदमी है या छोटा है, कौन सा ज़्यादा मतलब काम करवा देगा आपका, तो उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा खर्चा पानी दे करके काम, ये फायदा रहेगा, बगैर घुस के बगैर पैसे के नहीं होता है। अगर बाइक आपका पकड़ाता है तो मैं वीडियोज में बोल रहा हूँ, बाइक अगर पकड़ाता है रोड पे तो 1000 रुपये में छूट जाता है, तो
हजारों लोग को सुधारने से मतलब जो भी हो अपना काम से मतलब है, हम गरीब आदमी हैं तो अपना काम देखेंगे, अपना घर देखेंगे, देश चलाने वाले तो बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव रहें, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों का सीवी सेंड नहीं हुआ है, जिनका सीवी सेंड नहीं हुआ है अभी सेंड नहीं होगा, और उन लोगों का वीज़ा भी नहीं आएगा, जिनका सेंड नहीं हुआ है उनका वीज़ा टिकट नहीं होगा। थर्ड राउंड में आप लोग अप्लाई और फिर NHDC के माध्यम से, तो थर्ड राउंड का इंटरव्यू बहुत जल्द होगा, अब जब भी हो, डेट क्लियर नहीं है, डेट क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। तो दो तीन दिन से लगभग ये चीज़ पूछना पता हमारे चल रहा था, तो मैं तो बाकी मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हो आपको, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल करें अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।